हेलो गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की एक पौराणिक जगह सांडू मैदान की तरफ, और मेरे साथ हैं सुनील जी और शेखर जी, मेरे परम मित्र। शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं और हम निकल पड़े हैं अपने मैदान की तरफ। और ये बिलासपुर शहर का गुरुद्वारा, और ये बिलासपुर मार्केट अपनी। और जैसे ही गर्मियों के मौसम में धूप कम होती है शाम के टाइम, तो लोगों का आना जाना बढ़ जाता है मार्केट की तरफ। और ये हमारा बिलासपुर बस स्टैंड। सो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं उस स्पॉट की तरफ जहां पर हम जा रहे हैं, और ये साथ ही हमारी गोविंद सागर लेक। ये अपनी गोविंद सागर लेक जो कि स्थित है अपने बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और इस तालाब की लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है जहां तक मुझे याद है। साथ में सुनील और शेखर। हेलो 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 गाइस, हाय। हाय, और ये हमारे यहाँ का नजारा। और यहीं पर नीचे एक प्लेस है जहां से हम बोट्स वगैरह पकड़ते हैं अगर हम किसी ने तालाब के उस पार जाना हो। एंड हियर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो ये है अपना सांडू मैदान, और यही वो जगह है जहां पर राजा का महल डूब गया था। सो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतिम राजा थे राजा अनंतचंद, और बताया गया है कि यह महल डूब गया था जब बाखड़ा नंगल बांध का निर्माण हुआ था यहाँ पे। और शाम के टाइम है तो यहाँ पे लड़के लोग आते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं बंदे। और यहाँ पर सुनील एंड शेखर जी। सो दिस इज द टेम्पल, इसे शायद रानी का मंदिर कहा जाता था कि जो राजा के टाइम जो रानी थी उसी का। गजब ही कला का निर्माण किया गया है हाथों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा बनाया गया यह अद्भुत मंदिर। देखिए आप पौराणिक वास्तुकला।
ये पता नहीं क्या है। वैसे बहुत ही अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है मंदिरों पे। और ये ऊपर की तरफ हमारा बिलासपुर सिटी। गाइस अब हो चुका है अंधेरा और हम लोग निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। और लोगों के घरों में जग चुकी है लाइटें, तो आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।